iPhone 13 मोबाइल का ये अडेप्टर है जो कि 20 वाट का आता है, 20 वाट का आता है ये। और ये अडेप्टर हमने तकरीबन 8 महीना पहले ही लिया था, जो कि कंपनी इसे 12 मंथ का वारंटी देते हैं, गारंटी देते आईफोन हैं। के मोबाइल आप परचेज कर रहे हैं या फिर अडेप्टर परचेज कर रहे हैं या जो भी एसेसरीज है आईफोन का, वो आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी, ठीक है। तो गाइस दरअसल बात क्या हुआ कि हमने जो अडेप्टर मंगाया था तो ये ख़राब हो गया। बिजली अचानक, बगल में ट्रांसफार्मर है उसमें अचानक झटका पड़ा और ये जो चार्जर है ये ख़राब हो गया। इसका जो केबल है वो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन चार्जर काम करना बंद कर दिया। तो उसके लिए वारंटी के लिए मैंने कई बार इधर उधर सर्च किया, गूगल पे सर्च किया कि वारंटी क्लेम कैसे करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। आखिरकार वारंटी क्लेम हमने नहीं कर पाया, ठीक है ना ही ये तो मैंने फ्लिपकार्ट के द्वारा हमने परचेज किया था। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर भी आप लोगों को मिल जाएगा गूगल पर, लेकिन किसी भी काम का नहीं है कस्टमर केयर, यानी कि फ्लिपकार्ट अगर आप बात करना चाहें कस्टमर केयर से तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, तकरीबन 10 दिन तक हम परेशान होते रहे कि आखिरकार इसकी वारंटी क्लेम कैसे करें, जो हमारे हमें जो गारंटी दिया है इसके बदले में हम नया अडेप्टर कैसे लेंगे। तो वैसे हमने आगे पूछताछ किया किसी साथी से, तो उन्होंने बताया कि इसका जो सर्विस सेंटर जहाँ पे होता है ये वहीं जाके इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, वहीं आपकी वारंटी जो है क्लेम हो पाएगी। तो इसका सर्विस सेंटर पटना में है, धनबाद में है, रांची में है, मतलब हमारे आसपास में लोकल जैसे डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है, शहर होता है, तो इधर कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है। तो गाइज आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप अडेप्टर परचेज करें तो अमेजोन के द्वारा परचेज करें। अमेजोन जो है कस्टमर केयर नंबर देते हैं और जब चाहे तब उनसे बात कर सकते हैं अमेजोन के द्वारा। मैं फ्लिपकार्ट को कभी अच्छा नहीं मानता, लेकिन मैंने मोबाइल और अडेप्टर दोनों एक ही साथ फ्लिपकार्ट के द्वारा परचेज किया था, इसलिए बाकी आइंदा के लिए मैं फ्लिपकार्ट कुछ भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का ऐसे जो है मतलब बगैर सोचे समझे मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, ठीक है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट लेना रहे तो अमेज़ॉन बहुत ही बेस्ट है। अमेज़ॉन के अलावा मुझे ज़्यादा किसी भी एप्लीकेशन पर, शॉपिंग मार्केटिंग पर भरोसा नहीं है। तो इसके बाद गाइज हमने क्या किया, नया अडेप्टर पर ऑनलाइन परचेज किया अमेज़ॉन के द्वारा। अमेज़ॉन से हमने नया अडेप्टर मंगाया है, तो देखने वाले हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये आपको दिखाएंगे। इसके लिए गाइज मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखा कि कोई इसके ऊपर वीडियो अगर बनाया होगा किस तरीके से वारंटी क्लेम करना है, अडेप्टर कैसे रिप्लेसमेंट करवाना है गारंटी को लेकर, तो एक भी वीडियो हमें नहीं मिला यूट्यूब पर। सोचो कि 10 दिन तक हम परेशान रहे, एक भी वीडियो नहीं मिला और आखिरकार मुझे एक नया अडेप्टर लेना पड़ा। और इसकी कीमत कम सम नहीं होता है गाइस, 1500 से अधिक होता है, 1500-1600 रुपये इसका पड़ जाता है कीमत एक आईफोन एप्पल का अगर आप चार्जर लेते हैं तो। गाइस ये है, यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाता है सील तोड़ने के लिए। तो सबसे पहली बात तो यहीं से अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का एक ओरिजिनल स्टिकर मिलता है जो कि किसी भी तरह का डुप्लीकेट सील नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एप्पल का इस तरह का आपको बॉडी मिल जाएगा और यहाँ पे इसका MRP भी देख लेते हैं कितना होता है इसमें। 1900 रुपये ये MRP टोटल होता है, लेकिन ये आपको 1500 तक में, आप लोग को 1500-1600 तक में आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन। हाँ तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जेन्युइन है, बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पे एप्पल का ब्रांडिंग मिल जाता है, यहाँ पे 20 वाट मिल जाता है और ये ID वगैरह हर चीज़, रजिस्ट्रेशन नंबर हर चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। डिजाइनेड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया मेड इन इंडिया, यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये 100% ओरिजिनल है। अगर जब भी आप लोग किसी भी ब्रांड का अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि मान के चलो मैं एक मैकेनिक हूँ, बाइक मैकेनिक हूँ, और ऑनलाइन बहुत लोग कैस्ट्रोल इंजन ऑयल परचेज करना चाहते हैं, तो जब भी कैस्ट्रोल इंजन ऑयल पर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल। तो कैस्ट्रोल का साइड देखकर ही आप लोग किसी भी चीज़ को मतलब परचेज करें। जैसे कि हमने एप्पल का साइड देखा, एप्पल का खुद का ID हमने देखा है अमेजोन पर, तो उसी ID से हमने ये वाला अडेप्टर परचेज किया ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आप लोग देख कर हर चीज़ खरीदें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि
वारंटी के लिए हम क्लेम ले लें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज आप लोग भी बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ये इसका यूज़र मैनुअल है।